नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विचार्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है अपने क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे टॉप ट्रेड किया था नियरली 2700 के आसपास एंड यहाँ पे बॉटम क्रिएशन किया था 1200 के आसपास। प्राइस देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था एंड इस डाउन ट्रेंड चैनल को प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया। प्राइस ब्रेकआउट करने के साथ देखिए प्राइस यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन किया था जिससे बेस का अपर बाउंड्री से देखिए मल्टीपल टाइम सप्लाई है। ये जो ब्लू लाइन था ना स्टॉक का प्राइस के लिए था मेजर रेजिस्टेंस, जिस लेवल से देखिए प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड जिस टाइप का प्राइस आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड यहाँ पे बेस फॉर्मेशन किया है उसके साथ वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो गया है एंड जिस टाइप का प्राइस यहाँ पे रेंज को डेली टाइम फ्रेम में एक हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट किया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर अब हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस देखिए प्राइस के लिए मेजर रेजिस्टेंस था ये ब्लू लाइन एंड फाइनली प्राइस जो उसका मेजर रेजिस्टेंस को यहाँ पे का हायर हाई फॉर्मेशन के साथ आज ब्रेकआउट किया है एंड जिस टाइप का ब्रेकआउट शो कर रहा है एंड जिस टाइप का ब्रेकआउट कैंडल प्राइस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर जा सकता है। उससे केस में जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है वो बनेगा स्टॉप लॉस जो कि बन रहा है बिलो 1400। अगर स्टॉक का प्राइस उसका प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता है जो कि 1400 के आसपास है, जिस टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिला है आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस के लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1970 का। पहला टारगेट बनेगा ए वाला एंड 1970 को ब्रेकआउट करने के बाद लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है एंड हाई प्रोबेबिलिटी जिस टाइप का अकुमुलेशन के बाद प्राइस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। अगर अभी हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे, देखिए सेल्स ग्रो किया है एंड नेट प्रॉफिट भी ग्रो किया है एंड यहाँ पे 1 अगस्त 2024 को इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है। उसके साथ FII का यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला है, FII यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है एंड हाईएस्ट होल्डिंग जो है प्रोमोटर के पास है एंड हमेशा से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा, एनालिसिस को वार्ड कीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप डिटेल एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।